नर्व्स होती हैं वो ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से या तो निकलती हैं यानी कि उससे अराइज करती हैं या फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक जाती हैं। इनके निकलने और जाने का काम क्या होता है? इनका काम होता है मैसेज को ट्रांसफर करना। बॉडी के एक पार्ट से मैसेज को लेती हैं और उसको बॉडी के दूसरे पार्ट तक पहुँचाती हैं। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेके भी आती हैं और वापस उससे लेकर भी जाती हैं। इसी तरह ये गैंग्लिया से मिलकर बना होता है। तो गैंग्लिया क्या होते हैं? क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडी। इन न्यूरॉन की सेल बॉडीज के क्लस्टर होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से CNS से आउटसाइड होते हैं, CNS से बाहर की जाने मौजूद होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये नर्व्स और गैंग्लियॉन से मिलकर बने होते हैं तो इसीलिए इनके अंदर जो नर्व्स होती हैं उनको हम क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व का नाम देते हैं। क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व को देखा जाए कि कितनी होती हैं। क्रेनियल नर्व जो होती है हमारी बॉडी में उसके 12 पेयर्स होते हैं, यानी कि टोटल ये 24 होती हैं। इसी तरह स्पाइनल नर्व्स को देखा जाए तो इसके 31 पेयर्स होती हैं और टोटल देखा जाए तो ये 62 होती हैं। ठीक है, क्रेनियल नर्व के 12 पेयर्स जबकि स्पाइनल नर्व के 31 पेयर्स होते हैं। अब क्रेनियल नर्व्स होती हैं ये किस तरह की होती हैं और स्पाइनल नर्व्स होती हैं ये किस तरह की होती हैं? क्रेनियल नर्व्स में देखा जाए तो इसमें कुछ जो होती हैं वो सेंसरी नर्व्स होती हैं, कुछ होती हैं वो मोटर नर्व होती हैं और कुछ जो होती हैं वो मिक्स नर्व्स होती हैं। यानी कि क्रेनियल नर्व जो है वो तीनों नर्व्स का फंक्शन परफॉर्म करती है, सेंसरी भी होती हैं, मोटर भी होती हैं और मिक्स भी होती हैं। अब इन दोनों को देखा जाए कि क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स होती हैं दोनों मिलकर बोथ वे टू पाथवेज, ये दोनों मिलकर क्या करती हैं? दो तरह के रास्ते बनाती हैं जिनमें फर्स्ट वन होता है सेंसरी पाथवे या सेंसरी रास्ता और दूसरा होता है मोटर पाथवे या मोटर रास्ता। इन दोनों का फंक्शन क्या होता है कि सेंसरी पाथवे जो होता है उससे नर्व इम्पल्सिस गुजरती हैं, वो रिसेप्टर से आती हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाती हैं। रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाने के लिए वो सेंसरी पाथवे का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, दूसरी जो होती है मोटर पाथवे होता है। मोटर पाथवे जो है इसका काम क्या है? ये किसके लिए पाथवे देता है? ये इम्पल्सिस को गुजरने में मदद करता है। इसके जो इम्पल्सिस होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आगे इफेक्टर तक जाती है ताकि वो अपना जो बेसिक फंक्शन होता है या रिस्पॉन्स होता है उसको परफॉर्म कर सके। तो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व ने मिलकर दो पाथवे बनाए थे जिसमें सेंसरी है और मोटर है। एक का काम क्या है कि वो रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज पहुंचाती है और दूसरे का काम क्या है कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को इफेक्टर तक लेकर जाती है। अब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है जो कि है मोटर पाथवे। कि यहाँ पे जो आपने मोटर पाथवे पढ़ा है, ये मोटर पाथवे जो होता है ये क्या करता है? ये दो तरह के सिस्टम्स बनाता है। मोटर पाथवे के दो सिस्टम्स हैं जिनमें सबसे पहला है सोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये मोटर पाथवे आगे फर्दर दो सिस्टम्स बना रहा है जिनमें सोमेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्शियस एंड वॉलंटरी एक्शंस। कि ये क्या करता है जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है? ये कॉन्शियस यानी कि शाउटिंग कंट्रोल की चीज़ें और वॉलंटरी एक्शंस वो चीज़ें जो कि हमारे कंट्रोल में हमारे इरादे में होती हैं। तो ये क्या होता है? ये शौरी और इरादी एक्शंस का जिम्मेदार होता है। तो इस तरह ये क्या करता है? इसमें वो तमाम मोटर न्यूरॉन्स शामिल होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्सिस को स्केलेटल मसल तक भेजते हैं, क्योंकि हमारे स्केलेटल मसल्स की जो मूवमेंट होती है वो सारी की सारी वॉलंटरी होती है। आपको पता है हम जब चाहे अपना बाजू हिला सकते हैं, जब चाहे अपनी टांगे हिला सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? स्केलेटल मसल की जितनी मूवमेंट होती है वो सारी की सारी वॉलंटरी होती है। तो इस वॉलंटरी और कॉन्शियस एक्शन होते हैं इनको कंट्रोल
बॉडी में क्लिप नज़र आ रहा है जिसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको ANS भी कहते हैं, ये बॉडी के बहुत सी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, जिसमें ग्लैंड्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, कार्डिक मसल्स होते हैं, और इसके एक्शन जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं बॉडी कॉन्शियस कंट्रोल, क्योंकि ये इनवॉलंट्री होते हैं। इसकी टू डिवीजंस हैं, एक है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जिसको SNS कहते हैं, और दूसरी पैरा सिंपथेटिक है PSNS। ठीक है, इसमें अब क्या होता है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए हमें बहुत ज़्यादा, इसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी बाद में चाहिए होती है हमारे पास। ठीक है, और ये क्या करती है, ये हमारी बॉडी के एक्शंस को बहुत जगह मोबिलाइज़ करती है। फॉर एग्जांपल हमारी जो हार्ट रेट होती है वो इंक्रीज़ हो जाता है, हमारा रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ हो जाता है, जो हमारे डायलेट्स हैं पुपल नश हो जाते हैं, और एनर्जी ग्लूकोज के रिलीज़ करता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये एक बॉडी को एमरजेंसी के लिए तैयार करता है, तो उस कंडीशन में हमारा डाइजेशन स्टॉप हो जाती है और हमारी जर्नेशन जो होती है वो भी स्टॉप हो जाती है। दूसरी तरफ पैरा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये क्या करता है, बॉडी को नॉर्मलाइज करता है, हार्ट बीट को लोअर कर देता है, रेस्पिरेटरी रेट को भी लोअर कर देता है, डाइजेशन को स्टिमुलेट करता है, और रिमूव करता है वेस्ट को, एनर्जी को या ग्लूकोज को स्टोर करता है। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को फ्लाइट और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं, जबकि पैरासिंपथेटिक जो होता है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट स्टेट के साथ एसोसिएटेड होता है। इनके सेम इफेक्ट्स होते हैं दोनों के ऑर्गन्स के ऊपर। अब ये जो होते हैं बाजूकात, ये दोनों जो होते हैं वो दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं, एक ही बॉडी पे दोनों जो होते हैं वो सिमल्टेनियस भी हो रहे होते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा ऑटोनॉमिक टोन का फ़र्क होता है। इसमें क्या होता है कि दोनों में अगर देखा जाए तो सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक में थोड़ा सा चेंज है, कि एक जो होता है वो एमरजेंसी के लिए तैयार करता है और दूसरा जो होता है वो रेस्ट के लिए तैयार करता है बॉडी को। अब बाजूकात जो होते हैं वो सिर्फ एक ही सिस्टम से इम्पल्सिस आती हैं, फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल के स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो सिर्फ सिंपथेटिक फाइबर को रिसीव करते हैं, जो कि प्रेशरली ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, और ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, और जब इंक्रीज़ होगा तो इसकी कंस्ट्रिक्शन होगी, ब्लड जो ब्लड लेवल है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, और जब प्राइवेट जब ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। एक रिफ्लेक्स सेक्शन आपको दिखाया जा रहा है, इसकी वीडियो आपके पास
कि यहाँ पे हमारे बाजू का जो बाइसेप मसल है उसको दिखाया जा रहा है कि इसके ऊपर रिफ्लेक्सेशन का इफेक्ट कैसे होता है और कैसे रिफ्लेक्सेशन आगे जाता है। इसमें 3 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होती हैं, सिर्फ 3 सेल्स इन्वॉल्व होते हैं और उसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो भी इन्वॉल्व होती है। ये सेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का, रिफ्लेक्सेशन जो होता है वो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ये इसका एक बाइसेक्शन दिखाया जा रहा है और ये इसके नर्व्स हैं जो कि बाहर भी आ रही हैं और अंदर भी जा रही हैं। ये बंडल ऑफ नर्व्स होती हैं। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल जब टेम्परेचर फिंगर का इंक्रीज़ होगा, ये डिटेक्टर होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, एक न्यूरॉन होती है जो कि सिग्नल को लेकर जाएगी, जो हीट मिलेगी उसको वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करेगी और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जो होता है इसको बाद में स्पाइनल कॉर्ड की तरफ भेजा जाता है। ये रेड कलर की न्यूरॉन है जो कि मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जा रही है, ठीक है। ये सिंगल न्यूरॉन जो होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो मैसेज को लेकर जाती है हमारे स्पाइनल नर्वस हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। ये सिंगल न्यूरॉन जो होती है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को लेकर जाएगी और स्पाइनल कॉर्ड को बताएगी कि जो हमें हीट जो है वो महसूस हो रही है। अब एक और मैसेज आएगा, यहाँ पे एक और न्यूरॉन आपको दिखाई जा रही है जो कि सिग्नल्स को लेके जाती है, जो कि आपको ग्रीन कलर में दिखाई गई है। ये सिग्नल जो होता है बाद में इसको ब्रेन तक भेज दिया जाता है, यानी कि ये न्यूरॉन जो होती है मैसेज को ब्रेन तक लेके जाती है। पहले बाजू से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आएगा और बाद में स्पाइनल कॉर्ड से वो कहाँ पर जाएगा, ब्रेन तक मैसेज जाएगा। ये जो होता है हमारे बॉडी में ऑल टाइम होता रहता है कि मैसेजेस को ऐसी कंडक्शन होती है, लेकिन रिफ्लेक्सेशन में थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि रिफ्लेक्सेशन में मैसेज जो होता है वो ब्रेन में जाने का इंतज़ार नहीं करता या ब्रेन की कमांड में मिलने का इंतज़ार नहीं करता, बल्कि बस स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस चला जाता है। रिफ्लेक्स सेक्शन क्योंकि तेज़ होता है, आपने पढ़ा था वो इरादे अगर तो वह इरादे कंट्रोल में होगा तो ब्रेन तक जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर इनवॉलंटरी होगा तो वो नहीं जाएगा। ये सिग्नल जो होता है ये जो होती है वो एक और न्यूरॉन के जरिए सिग्नल जो होती है इसको वापस उसी हाथ के पार्ट तक लेके जाती है जहाँ से सिग्नल आया था, ठीक है। अब देखें ये ब्लू न्यूरॉन जो है इसके जरिए मैसेज जो है वो बाइसेप मसल्स तक जा रहा है, ठीक है। बाइसेप जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो क्या करेगा बाद में अपने बाजू को वहाँ से पीछे खींच लाएगा, जिसके नतीजे हमारा बाजू जो है वो बिल्कुल फायर से पीछे हो जाएगा। अब यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है रिफ्लेक्स सेक्शन की, कि ये ब्रेन के वेट का ब्रेन का मैसेज होता है उसके आने का वेट नहीं करता, बल्कि इमीडिएटली ये ब्रेन के बगैर स्पाइनल कॉर्ड से ही मैसेज को लेकर रिफ्लेक्स सेक्शन शो करता है और इसको बाइसेप मसल तक ले जाता है, ठीक है। अगर हम ब्रेन के मैसेज का इंतज़ार करें तो हमारा बाजू जो है उसके बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है, हम ब्रेन के मैसेज के आने का ब्रेन के कमांड का इंतज़ार क्यों नहीं करते। अब अगर हम इसके बारे में सोचें कि ऐसा क्यों होता है, अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि हम अगर ब्रेन की कमांड का इंतज़ार करेंगे तो हमारे बाजू जो है या हैंड जो है उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होगा और ये डेंजरस सिचुएशन होती है क्योंकि फायर जो होती है उसका बहुत ज़्यादा इमीडिएट एक्शन होता है हमारे बॉडी पे, इसलिए हम क्या करते हैं जो रिस्पॉन्स होता है वो भी इमीडिएट होता है और हम ब्रेन की कमांड का वेट नहीं करते। अब यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये बहुत लाजमी होता है हमारी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हमारी बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा डैमेज उसको हो सकता है, किसी भी वजह से नुकसान हमारी बॉडी को हो सकता है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 3 कलर्स की न्यूरॉन्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, जो कि रेड कलर की हैं, वाइट कलर की हैं और ब्लू कलर की हैं। ये किस लिए होती हैं, ये क्योंकि मैसेज के ट्रांसफ़र के लिए होती हैं। तो इनका नाम क्या है, सबसे पहले ये जो रेड कलर की लंबी से आपका न्यूरॉन नज़र आ रही है जो सेंसरी स्टिमुलस को लेकर आ रही है, ये आपकी होती है सेंसरी न्यूरॉन, यानी कि ये मैसेज को जब स्टिमुलस जो होता है तो मैसेज को रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक लेके जाती है। और जो ब्लू आपका नज़र आ रही है जो कि मसल्स पे एक्ट करती है, ये आपकी जो है ये आपकी मोटर न्यूरॉन है जो कि कोऑर्डिनेटर से मैसेज को मसल तक लेके जा रही है, ये मोटर न्यूरॉन्स होती है, ठीक है। ये जो होती है इसकी वजह से मोमेंट पे शो होते हैं, अपना हाथ जो पीछे करते हो। थर्ड जो है जो कि सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन पे मैसेज लेकर जाती है, पैरेट कलर की छोटी सी जो है इस न्यूरॉन को क्या कहा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती है और इस न्यूरॉन को हम रिले न्यूरॉन कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफ़र करती है इंफॉर्मेशन को सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन की तरफ।
अब ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है जो कि शो हो रही है, तो इस तरह से कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो हमारी बॉडी में होता है। और ये सारा पाथवे जो कि आपको नज़र आ रहा है, सेंसरी न्यूरॉन का, रेले न्यूरॉन का, मोटर न्यूरॉन का, ये सारा जो होता है इसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा है कि पाथवे जिससे रिफ्लेक्स एक्शन होके गुजरता है वो रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। ये सारी एग्जांपल जो है ये रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क दोनों में है। इसमें एक सेंसरी न्यूरॉन है, एक लीडर न्यूरॉन है और एक ही मोटर न्यूरॉन है। तो इसमें सारे में क्या होता है, जस्ट एक एक न्यूरॉन जो है वो हर किस्म की यूज़ होती हैं। कुछ रिस्पॉन्स होते हैं, कुछ रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उनमें ज़्यादा न्यूरॉन्स भी इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन ये कुछ जो होते हैं उनमें सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन शामिल होती हैं, उनमें रिले न्यूरॉन शामिल नहीं होती। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली यहाँ पे क्या होता है, 3 न्यूरॉन्स होती हैं जो कि मैसेज के लिए यूज़ होती हैं। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे लंप ड्रॉ किया है जो कि रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये ऐसा क्यों है? आपके सामने एक न्यूरॉन की पिक आ रही है। न्यूरॉन जो होती है वो इस तरह की होती है, इसकी शेप जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। दूसरी शेप आपके सामने है कुछ इस तरह की भी हो सकती हैं, और सेंसरी न्यूरॉन जो होती है वो इस तरह की ही तकरीबन होती है। ठीक है, जितने भी सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं, इसलिए यहाँ पे आपको यहाँ पे लंप दिखाया जा रहा है जो कि रेड को गोल करके दिखाया गया है, क्योंकि इनकी शेप जो होती है वो इस तरह की होती है। तो आपने माइंड में रखना है कि सेंसरी न्यूरॉन जो होती है ज़्यादातर उनकी शेप इस तरह की होती है। अब यहाँ पर आपको क्या रिमेम्बर करना है कि सेंसरी न्यूरॉन जो होती है वो हमेशा स्पाइनल कॉर्ड के बैक साइड पे मैसेज लेकर आती है, और मोटर न्यूरॉन जो होती है वो हमेशा स्पाइनल कॉर्ड के फ्रंट साइड पर होती है। ठीक है, इनको आपस में आपने मिक्स नहीं करना।